मैं अनिल आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम भी देखें नरेशन। पिछले पांच वीडियो में हमने नरेशन ही देखा था। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अब चेंज करने में जब इनडायरेक्ट में चेंज करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी हम सभी को रखनी बहुत ज़रूरी है। वही इसमें देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आईटी के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्या, तो हमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, बहुत से हमने देखा है हमने ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है ना, ये सी सेड है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है, टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, अस मी देम देयर हर सी हर हीज ये सब यू ये सब जो है ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। टू के बाद जितने भी चीज लगे थे वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अगर नहीं रहते हैं तो हम क्या करें, तो हम नहीं भी रहे तो हम एक चीज़ और एक कार्य और कर सकते हैं, वो है हम अपने मर्जी से भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं कोई भी। क्योंकि हमें देखिए अगर हम लगाएंगे, अगर सेकेंड पर्सन इधर आता है, इधर सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको चेंज करें, और चेंज करना ही है, हर हाल में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सेकेंड जब हम भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको सेकेंड पर्सन को चेंज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे चेंज करें, इसलिए हम ऑब्जेक्ट उसको खुद से देना होगा। अगर हम और सेंटेंस में नहीं भी दिया हुआ है रिपोर्टिंग सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया हुआ है तो अपने मन से उसमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। तो हम इसमें बताते हैं और क्या क्या लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी उस सेंटेंस में जो लगने लायक है अपने मर्जी से कोई भी उसके उपयुक्त जो भी होगा वर्ब वो हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी टोल्ड मी, जबकि यहाँ पर नहीं है, मी नहीं है तब पर भी लगा दें, क्योंकि हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो लड़की जो है वो कुछ भी करे तो हम मुझसे कह रही है। सी सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, उसने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो किसकी, तो वहाँ पे अपना भी लिख सकते हैं या हीज लगा सकते हैं या किसी उसके फ्रेंड है लड़की है तो हर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उसके दे भी लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट अपने मन से। पिछले वीडियो में हम नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में सोचे बताया आपको, या वैसे भी बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड पर्सन रहेगा और सेंटेंस में तो हमें दिक्कत होगी। तो हमने पिछले वीडियोस में जहाँ वहाँ पे हमने सेकेंड पर्सन नहीं लिया था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो वहाँ पर आ गया तब कैसे बनाएंगे, उस समय जानकारी होना चाहिए ना। तो वही देखिए, तो मी अपने मन से लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लगाएंगे ना वहाँ पर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। देखिए सी टोल्ड मी लिखे हैं तो डैट आई या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी लगा दिए, एम चेंज कर लिए टेंस तो वॉच हो गया, वेटिंग कर लिए, फॉर यू था तो यू को जिससे ऑब्जेक्ट रहेगा मी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमने एक हिम लिया तो यहाँ पर हिम लगाना पड़ा, यहाँ पे अगर हर होता तो यहाँ पर क्या होता हर हो जाता, यहाँ पे अगर अस होता तो यहाँ पर भी अस हो जाता, यहाँ पर अगर देम लेते तो देम लगा देते, यहाँ पे कुछ भी लगाते तो यहाँ पे कुछ भी लगाते, ठीक है। तो नेक्स्ट वैसे ही और एग्जांपल्स हम देख के इस फैक्ट को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए सी सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, तो सी टोल्ड अस लगाए, देखिए यहाँ पे अस लगाए हैं, यहाँ पे हिम लगा देते, हर लगा देते, देम लगा देते, यहाँ पे भी वही लगाते अस देम हर सी मतलब हिज लगा देते हिम, डैट ही डिड नॉट डू है तो डिड हो जाएगा, नॉट विश टू सी हो जाएगा एनी ऑफ। अब देखिए यू होगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने लगाया अस तो यहाँ पे भी अस हो जाएगा। सो क्लियर, हमने तो इसमें ये देखा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन यहाँ दे देगा तो ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, तो हमने लगा लिया अपने मन से, कोई भी लगा के हम सेंटेंस पूरा कर सकते हैं।
आगे देखते हैं दूसरा फैक्ट क्या है। ये दूसरा फैक्ट है, सी सेड अनिल आई वॉन्ट टू हेल्प यू। देखिए यहाँ पे, और जैसे मुझसे कोई कहता है दे सेड, वो लोग कहते हैं अनिल आई वॉन्ट टू योर टू हेल्प यू, वो मेरी मदद करना चाहते, तो अनिल मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, चाहते हैं हम आप तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दे सेड आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यहाँ आई तो नहीं होगा, इसे आई लिखा गया है। चलिए आगे हम बनाते हैं, तो देखिए इसका रूल क्या है, फैक्ट क्या है। यहाँ जो अनिल है ना, ये अनिल को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। देखिए क्या बनाते हैं, दिस टोल्ड, या अनिल को हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, या दे सेड टू अनिल, या दे सेड अनिल आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऐसे लिखा हो, या अनिल दे सेड टू अनिल आई वॉन्ट टू हेल्प यू, बोथ आर सेम। ओके, अगर यहाँ पे रहता है टू अनिल या इन्वर्टेड कॉमा में अनिल लेके कॉमा दिया गया है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे टोल्ड अनिल, और यहाँ टोल्ड लगाएं क्योंकि यहाँ पे है, और लगा दिया अनिल डैट दे वांटेड टू हेल्प मी। मी कहाँ से हो गया, यू है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है अनिल, अनिल हो गया हिम। सो क्लियर, इधर भी हो गया हम क्लियर। इसमें से कुछ और एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं, ही सेड यू आर माई लाइफ राधा। अब देखिए राधा को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, राधा से कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ही टोल्ड राधा डैट सी वॉज माई, सी वॉज ही, यहाँ पे यू है ना, माई यू है तो सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या यू है सेकेंड पर्सन, यहाँ राधा को ऑब्जेक्ट माना गया है तो सी हो जाएगा, आर है तो वॉज हो जाएगा, और माई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है ही, तो हीज लाइफ हो जाएगा। अपने ये भी समझना है, कोई भी इसमें कोई भी ऐसा वर्ड आपको लग रहा हो कि अनदर लिया गया, अलग से लिया गया, तो कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि हमें हर एक वर्ड को डिस्क्राइब करते चल रहे हैं। इसमें अगर कोई भी छूटता है, आपको लगता है कि छूट गया सर इसको क्लियर किए, तो कमेंट किए, अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ ये थोड़ा एक नया इफेक्ट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड, या इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, तो देखिए अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, या ये भी कहते हैं फ्यूचर ऑफ द कंट्री, या माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह भाषण में लोग बोलते हैं ना, तो उसको बनाने में इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए सही हो जाएगा। देखिए क्या है, देखिए क्या करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे सबसे पहले, तो इसको बनाते वक्त भी देख लेते हैं, एड्रेसिंग लिखेंगे, एड्रेसिंग करेंगे, एड्रेसिंग द स्टूडेंट, पहले इसको पढ़ लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हम लोग तो हैं देश का भविष्य, एंड माई होप, एंड सो यू विल बी गिवेन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। ये देखिए सेंटेंस बड़ा है, ये मत ध्यान दीजिएगा, बड़ा है लेकिन कड़ा नहीं है, इस पर ध्यान रखिए, सेंटेंस को हम एकदम डिस्क्राइब करें छोटे छोटे में। देखिए इसको इतना बड़ा है तो ध्यान नहीं देना, इस अगर लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ द कंट्री, या माय डियर फ्रेंड्स, या लेडीज एंड जेंटलमैन, या ऐसा कुछ और भी सेंटेंस में वर्ड लिए जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लेना है ये एड्रेसिंग करेंगे हम लोग। ये देखिए एड्रेसिंग द स्टूडेंट, एड्रेसिंग किसको किया गया, या स्टूडेंट को किया गया, एड्रेस मतलब किसको कहा जा रहा है, तो स्टूडेंट को कहा जा रहा है, तो करेंगे एड्रेसिंग द स्टूडेंट, एज मतलब इनका एक उपाधि दे दिया गया ना, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कौन है फ्यूचर ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट है, तो एज कहा गया फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मतलब स्टूडेंट कहा गया, उसके बाद फ्यूचर ऑफ द कंट्री कहा गया बच्चों को, एज से जोड़ देंगे, ठीक है, ये एज लगाएंगे, ठीक है, ये एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर को लेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ चलें द प्राइम मिनिस्टर सेड,
सेड कहते हैं, सेड, या यहाँ पे हम ये भी टोल्ड भी लिख सकते थे, कोई गलती नहीं होगा। टोल्ड टोल्ड ऐसे अधिकतर सेड ही लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा और तो वहाँ पे सेड ही था। ऐसे टोल्ड भी कर सकते लेकिन सेड ही कीजिएगा। सेड डैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, डैट दे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू यू जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर स्टूडेंट से, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे दे। और यहाँ पर देखिए आर है, आर मतलब आर के साथ के बाद आर की जगह पे वज वर लगाएंगे, तो यहाँ दे के साथ वर लगेगा, वर हो गया हमारा। माई होप, माई फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हीज होप कर लें, प्राइम मिनिस्टर की आशा है ना, अभिलाषा है। एंड एंड सो उतार दें। यू है सेकेंड पर्सन, यहाँ देखिए सो के सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या था? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ दे लगा लें, दे। विल है, हमने देखा है विल का क्या करते हैं? वुड कर लेते हैं, वुड हो जाएगा, विल वुड। अब बी देखिए, बी हो गया गिवेन, गिवेन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस, ये तो अनदर वर्ड ही है, परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। कितना सिंपली से बन गया, एक बार फिर से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए सबसे पहले एड्रेसिंग करेंगे, एड्रेसिंग द स्टूडेंट, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट लेंगे एज 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 लेंगे। टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म क्या है? टर्म दिया गया है फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री लगा लेंगे। द अब शुरुआत करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर सेड, सब्जेक्ट लगा देंगे द प्राइम मिनिस्टर सेड। अब डेट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, डेट वेयर डैट दे, दे होगा ना, यू यू है, यू सेकेंड पर्सन इसके साथ ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो दे हो गया, दे के साथ वर लगेगा, वर हो जाएगा वर। और हिज माई के जगह पे हिज प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज होप। एंड सो दे, दे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स हैं तो दे लगा दें। अब देखिए विल है तो विल वुड में चला जाएगा, और बी गिवेन, बी गिवेन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस, परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ा गया है, अब वही प्रीवियस रूल, अभिनय एक थोड़ा सा रूल यूज किया गया, उसके बाद ये बना दिया गया। अगर तब फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर दें। नेक्स्ट कर चलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन रहेगा, इसका टर्म ऑफ कंडीशन लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, द लीडर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू गिवन मी अ चांस टू सर्व यू आई शैल डू माय बेस्ट टू प्लीज यू। सभी नेता कहते हैं, कोई नई बात नहीं है, सभी कहते हैं कि हम अपना बेहतर करेंगे, और हमारा बेहतर तो नहीं करते ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका एड्रेसिंग द ऑब्जेक्ट, एड्रेस कहाँ गया, अब यहाँ देखते हैं, ये है एड्रेसिंग करेंगे, एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट क्या है इसमें है, एड्रेसिंग द स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट की जगह पे पीपल, क्योंकि गलती हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो लीडर्स कहेंगे वो तो पीपल से कहेंगे ना, और स्टूडेंट से तो कहेंगे नहीं, यहाँ पे कहेंगे पीपल से, तो इसके यहाँ पे पीपल लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख ले रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी आता है जल्दी जल्दी में। एड्रेसिंग द पीपल एज लीडर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एज टर्म ऑफ एड्रेस क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है टर्म ऑफ एड्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। द लीडर सेड, आगे हम अपने स्टार्ट कर लेंगे, द लीडर सेड। डैट डैट हो जाएगा, इफ इफ यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमने अपने मन से लगाया, पीपुल जो लगाया है अपने मन से लगाया है, और द पीपुल हो जाएगा, दे हो जाएगा, बहुत सारे पीपुल हैं इसलिए दे लगा देंगे। गिव हिम, हिम जो है फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, हिम गिव हिम ए चांस टू सर्व देम। अब ही हो जाएगा, ही वुड
डू हिज बेस्ट टू प्लीज देम। ये भी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फोर नंबर। अब देखिए फोर नंबर में ओ वेल ओके एटीसी इस तरह के जो होंगे, इस तरह के जो वर्ड इसके अगर हम बनाते हैं तो ये सब जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ये सब वर्ड लुप्त हो जाते हैं, बाकी वैसे ही हम लोग बना देते हैं जैसे हमने बनाया था। जैसे कि देखिए ही सेड वेल राम यू कैन टेक, तो ये राम तो क्या है, राम तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। सी टोल्ड राम डैट ही यू हैज यू फर्स्ट, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा राम, राम को ही कर लेंगे। ही कैन है तो कुड होगा, और सेल होगा तो शुड, और विल होगा तो वुड, मे होगा मे माइट। इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। और टेक इट, इट है थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज हुआ है। एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं इस, और ओके ओके इरेज करिए पहले। ओके आई विल कम अगेन टुमारो, यस ही सेड, तो इसको ही सेड को बना लेंगे ना, इसको ही सेड, इसको खुद भी कीजिए, सब अपने मन से भी कर सकते हैं, इससे बहुत आसान है। ही सेड डैट ही आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ही है, ही विल है वुड हो जाएगा, कम कम अगेन अगेन टुमारो नेक्स्ट डे आने वाला कल, टुमारो कल आता है द नेक्स्ट डे। ओके क्या हो गया, लुप्त हो गया, ये वेल लुप्त हो जाएगा, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो सारे लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू नॉट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप द बेल आइकन ऑन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट इन डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा वर्कशीट का, उसे डाउनलोड करके घर पर भी ट्राई करें। धन्यवाद।